हे गाइस, होप आप सभी लोग बढ़िया हो। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के न्यू वीडियो में। सो गाइस, आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में यहाँ पर मैं स्कॉलरशिप्स, एजुकेशन लोन जैसे चीजों पर यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को पूरा देखिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट्स उठा सके। ठीक है, तो यार देखो, डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जैसा कि आपको बताया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मैटर। ठीक है, तो यार देखो, बहुत सारे मुझे DMs आ रहे थे, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे YouTube पर, DMs आ रहे थे Instagram पर, भैया हमारे पेरेंट्स इतना फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है, लेकिन हम लोग को इंजीनियरिंग करनी है, 3 से 4 लाख रुपए लग रहा है। पेरेंट्स बोल रहे हैं कि नहीं अफोर्ड कर सकते, डिप्लोमा कर लो, पॉलिटेक्निक कर लो, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करें भैया, इंजीनियरिंग करनी है, बीटेक से ही करना है, CSE से ही करना है, कैसे करें? तो उनके बारे में, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा, तो आप लोग कैसे कर सकते हो, कैसे इंजीनियरिंग कर सकते हो बिना पेरेंट्स को परेशान किए, सब आप लोगों को पैसा यहाँ पास आएगा। कैसे आएगा वो सभी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता ये सभी चीज़ें। यहाँ पर बिहार के लोग मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि भैया कुछ अगर स्कॉलरशिप्स हो, कुछ अगर छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हो अदर स्टेट्स के लिए, या फिर बिहार की स्टेट्स के गवर्नमेंट के का है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो ज़रूर बताइए। तो उसके बारे में यहाँ पास आपके बारे में बताने वाला, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में आने से पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज सर्च कर रहे हो एंड आप लोगों को CSE नहीं मिल रहा है, आप लोगों को कंप्यूटर साइंस से ही करना है या फिर कोई सी ब्रांच से करना है, आपको नहीं मिल रहा है एंड जिस कॉलेज में आपको जाना है, तो यार देखो, लिंक एक डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा आपको, वहां पर आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, उसको फिल कर लो। ठीक है, जो भी इशू है, कॉलेज की प्रायोरिटीज चाहिए, किस किस कॉलेज में जाना, प्रायोरिटीज डाल दो, हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग का उस कॉलेज में एडमिशन करवाने में। CSE में अगर नहीं मिल रहा, तो उसमें कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सबसे नीचे देखना आपको एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के सबसे ऊपर, सॉरी, वहां पर आप लोग जाकर उस गूगल फॉर्म है, उसमें पूरे अपनी समस्याओं को, जो भी है वहां पर, जो भी फील्ड मांगा है, उसमें जाकर इनपुट डालो और यहां पर सबमिट करो। हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे आप लोगों की समस्याओं को यहां पर सॉल्व करने की। ठीक है, तो यार देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, हमारा सबसे पहला जो है स्कॉलरशिप फॉर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखो, यहां पर पोस्ट मैट्रिक नाम का एक स्कॉलरशिप आता है छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, इसमें कैटेगरीज वाइज पैसा मिलता है। ठीक है, ST SC OBC लोगों के लिए यहां पर कुछ पैसे, कुछ स्कॉलरशिप्स आते हैं, जनरल का मैं कंफर्म नहीं हूं, यहां तक कि नहीं आता है, ST SC एंड OBC के लिए रहता है। देखो, इसके यहां जाने से पहले आपको बता दूं, आपको साइबर कैफे में सबसे पहले चले जाना है, आपके नियर बाय जो साइबर कैफे, जहां पर फोटोकॉपी कराते हो, प्रिंट करवाते हो, आधार कार्ड से रिलेटेड चीजें करवाते हो ना, वहां पर चले जाना, वहां पूछना भैया यहां पर कुछ स्कॉलरशिप से क्या छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं अपना 12th के बाद, जो भी हायर स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए, वो वहाँ पर आप लोगों को और भी अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारे, उनको स्कॉलरशिप के बारे में नॉलेज होता है। ठीक है, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होते हैं जो कि आम आदमी लोग तक नहीं पहुँच सक पाती है। ठीक है, तो उनको पता होता है, वहाँ पर से आप जाकर पता कर सकते हो कुछ एडिशनल कुछ स्कॉलरशिप्स है। ठीक है, देखो अभी जो चल रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो कि मेरे बहुत सारे लोग, दोस्त लोग जो क्लेम कर रहे हैं इसको, जो कि ST SC से हैं या फिर जो OBC से हैं, उनको मैं बता, कितना पैसे आता है आप लोगों का यही क्वेश्चन होगा। तो देखो, 25,000 तक का यहाँ पर उनको स्कॉलरशिप मिलता है जो ST SC कैटेगरी से है। ठीक है, अगर आप लोग कॉलेज 80,000 रुपीस अगर पे कर रहे हो, तो वहां पर 25,000 रुपीस जो गवर्नमेंट है डायरेक्ट कॉलेज को पे कर देती है, तो माइनस हो जाता है, जो रिमेनिंग रहता है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर पे करते हैं। ईयरली आता है, 4 साल है, तो 4 बार आएगा, 25,000 25,000 25,000 25,000, 1 लाख तक का रुपए आपको मिल सकता है। जरूरी नहीं 25,000, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है ST SC के लिए। ठीक है, आप बात रही OBC के लिए, OBC के लिए कितना आता है भैया, OBC के लिए यहाँ पास आप लोगों को 17,000 से लेकर 19,000 तक के बीच का आप लोगों को यहाँ पास स्कॉलरशिप मिलता है। जनरल के लिए यार नहीं मिलता आई थिंक यहाँ पास। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कॉलरशिप फॉर छत्तीसगढ़ स्टूडेंट। अभी आप लोग छत्तीसगढ़ वाले जाना नहीं, बहुत सारे लोग जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बोल रहे थे ना, उनके बारे में बताऊंगा, जरूर देखना उस वीडियो को। ठीक है, अब देखो मैं सेकंड आता हूँ बिहार स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा यहाँ पर स्कीम है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एजुकेशन लोन, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यार मैं सबसे पहले तो ताली बजाना चाहूँगा गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा स्कीम लाया है। इसमें आपको बता दूँ क्या फ़ायदा है। तो देखो, यहाँ पास आप लोगों को अप टू 4 लाख रुपीस तक का यहाँ पास आप लोगों को लोन मिलता है विथ 4% इंटरेस्ट रेट। ठीक है, जो कि बहुत कम होता है यार, 4% बोलने से, आज के ज़माने में कोई 4% के हिसाब से लोन नहीं देता है, स्पेशली एजुकेशन लोन की बात करो। SBI में भी जाओगे ना, जो बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा अदर बैंक के कंपेरिजन में कम लोन, जो लोन देती है वो कम इंटरेस्ट में देती है, तो SBI में भी 11% 9% तक का इंटरेस्ट लगता है एजुकेशन लोन में। ठीक है, तो यहाँ गवर्नमेंट की यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, जो कि इतना अच्छा स्कीम है, लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ बिहार के बहुत सारे लोग छत्तीसगढ़ में आकर पढ़ते हैं, राइट, एंड बहुत सारे लोग उसमें से 90 से 80% लोग वो इस स्कीम का फायदा उठाकर, या गवर्नमेंट उनको पे करती है वो करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो कैसे रहेगा ये, तो देखो यार, जो आप लोग फीस पे करोगे इसके लिए, सॉरी देखो, सबसे पहले निश्चय एक वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर चेक कर लेना आप जो कॉलेज में आ रहे हो वो एफिलेटेड है या नहीं है इस लोन से। ठीक है, अगर वो कॉलेज इसमें आपको वेबसाइट में दिख
जाएगा, जो भी कॉलेज में आप आ रहे हो तो वहां पास आप इसको कर सकते हो, इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो देखो यहाँ पर देखो, अगर आप PWD कैटेगरी से हो या फिर आप ट्रांसजेंडर कैटेगरी से हो तो आप लोगों को 1% के हिसाब से यहाँ पास मिलता है, तो बहुत अच्छी चीज़ है यार। 4% 1% के हिसाब से आजकल जमाने में कौन लोन देता है, कोई नहीं देता। तो गवर्नमेंट की अगेन मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा स्कीम है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। सो बिहार स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगा, जाओ निश्चय वेबसाइट में जाके चेक करो आपका कॉलेज एफिलेटेड है या नहीं है, एफिलेटेड मतलब इस स्कीम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो उसका फायदा होता है, जाके अप्लाई करो। कैसे अप्लाई करना बात पता करो, क्योंकि अगर जानते हो गवर्नमेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले कर देते हैं, बैंक का काम और गवर्नमेंट का काम बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो पहले से आप लोगों को चीज़ें जाके पता करनी है कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। कोई अगर आपके फ्रेंड्स में पढ़ रहा है अभी छत्तीसगढ़ के अंदर एंड ये लोन का फायदा उठा रहा है तो उससे भी जाकर पता करो कि कैसे कैसे आपने किया था, क्योंकि यार मैं अगेन बता रहा हूँ कि थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा। तो जरूर पहले से करो चीज़ें, ठीक है। अब यार देखो मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, यार देखो मैं साउथ इंडिया से हूँ, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ, ठीक है। तो यार मैं वहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, देखो जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी राशन कार्ड है BPL कार्ड है तो उनको यार ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल नहीं लगता। मतलब मान लो अगर कोई प्राइवेट कॉलेज में भी वो ज्वाइन करते हैं, 1 लाख रुपये भी वहाँ का फीस है तो 0 रुपीज़, उनको कुछ भी पैसा नहीं लगता। पैसा क्या चीज़ का लगता है, जो हॉस्टल्स होते हैं राइट, वो सब चीज़ का वो बस वापस वो पे करते हैं। तो सोचो इसीलिए वहाँ का एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वहाँ के लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पर लोग कर रहे हैं, स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट बहुत ज़्यादा डेवलप क्यों होते हैं, ये सभी स्कीम से कारण, क्योंकि लोग वहाँ पर एजुकेटेड है। तो यहाँ पर मैं गवर्नमेंट से बस एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पहुँच जाए तो अच्छी बात है, कि और भी ज़्यादा स्कीम्स और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप लाना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी से हो। अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप तो रहनी चाहिए जिससे वो भी एजुकेशन कर सके, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे डिप्लोमा में चले जाते हैं, पॉलिटेक्निक कर लेते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। तो बस गवर्नमेंट से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि कुछ और भी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लाए, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिहार का ही एग्जाम्पल देख लो, जो एजुकेशन लोन इतने कम रेट में प्रोवाइड कर रही है। तो बस छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स और भी ज़्यादा स्कीम्स लाया जाए स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, जो भी ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। अब बात रही यार एजुकेशन लोन की, बात करता हूँ। बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, भैया फाइनेंशियल स्टेबल नहीं है हम लोग, पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाएंगे, पैसा कैसे पढ़ाई करना है। तो देखो एजुकेशन लोन है, जरूरी नहीं है आपकी सरकार दे रही है या नहीं दे रही है, बहुत सारे बैंक है, SBI है, HDFC है, बहुत सारे बैंक है, ठीक है। वहाँ पर जाओ, पहले से जाओ, अभी से जाओगे तभी फायदा आपको होने वाला है। बाद में जाओगे बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बैंक का काम जानते हो आप लोग, लाइन पर लग जाओगे, ठीक है। तो पहले से जाओ, अभी से वहाँ पता करो, सर मुझे ज्वाइन करना है कॉलेज, मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ एजुकेशन लोन के लिए, तो वो आपको सब कुछ बता देंगे। देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर जो भी कॉलेज आप ज्वाइन करोगे 5 लाख के अंदर कोई भी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। टॉप कॉलेज की बात करूँ, शंकराचार्य, BIT, रुंगटा, तो इनका भी 4 लाख तक में इसका यहाँ भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आराम से आप लोगों को मिल सकता है, अगर आपके फाइनेंशियल आपके पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है फिर भी आपको जो बैंक है वो आपको लोन दे देगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, 4 लाख 3 लाख रुपए, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया पे कैसे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट हर महीना पे करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को देखो जो बैंक है और जो आपकी कॉलेज है उसका आपस में लिंक हो जाएगा, ठीक है। वो सेमेस्टर वाइज भी पे कर सकती है, ईयरली भी पे कर सकती है, वो आप लोग देख सकते हो, ठीक है, वो बात कर सकते हो। अब आप लोगों को पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, जैसे कि पहले ईयर का आपको कॉलेज बैंक पे करती है तो उसका हर महीना इंटरेस्ट आपको लगने लगेगा। अब वो आप पूछ लेना कितना इंटरेस्ट है, ये सब पता कर लेना, क्योंकि यार पता करो ये सब कितना इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। अब देखो आप जैसे ही आपका पैसा आएगा, इंटरेस्ट लगेगा, ऐसे करते करते एक टोटल अमाउंट बनेगा 4 साल के बाद। अब उसको आपको तुरंत पे करना है नहीं, अगर आपका जॉब लग गया तो आप पे करो, नहीं तो 1 साल का लगभग आप लोगों को मेरे ख्याल से 1-2 साल तक का गैप मिलता है, ताकि आप लोग अच्छे से स्टेबल हो जाओ, उसके बाद अपने एजुकेशन लोन को वो करो। तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, अगर आप लोग के पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेबल है फिर भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, आप पेरेंट्स पर बर्डन नहीं डाल सकते हो, अपना खुद से पे कर सकते हो। मैं आप लोगों को बस एक ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी स्टेबल नहीं है उनको मैं बोलूँगा क्या जरूर इसको जाकर ऑप्ट करो, जाकर पढ़ाई लो और BTech करो, CSE करो, बढ़िया पैसा कमाओ, ठीक है, इंजीनियरिंग करो, ठीक है। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर एजुकेशन रेट बहुत ज़्यादा कम है, लोग हायर स्टडीज़ नहीं करते, 12th के बाद ही स्टडीज़ नहीं करते हैं। तो मैं बस यही बोलूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंजीनियरिंग करो, या जितना ज़्यादा इंजीनियरिंग करोगे CSE से करोगे स्पेशली, उतना ज़्यादा आप लोग की अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा पैसा कमाओगे, स्टेट्स डेवलप होगा, ठीक है, स्टेट का जो भी डेटा है वो अच्छा बनेगा। तो आप लोग करो यार, ठीक है। तो यही था कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए मैं लेके आया था। तो SBI पे जाकर चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पास थोड़ा कम ही रहेगा इंटरेस्ट रेट कंपेयर टू अदर प्राइवेट बैंक, ठीक है।
सो गाइस यही था आज के पूरे वीडियो में। एंड जाने से पहले आपको यही चीज़ बोलूँगा, अगर आप लोग कोई भी कॉलेज में ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, सी एस सी नहीं मिल रहा है, कॉलेज में बोल रहे हैं कि सी एस सी नहीं मिलेगा फिर भी आपको सी एस सी चाहिए, तो ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो इश्यू है आप लोग वहाँ पर फिल करो, जो भी आपको टॉप प्राइवेटी कॉलेज है वहाँ पर फिल करो, मैं आपको कोशिश करूँगा आप लोग को सी एस सी वगैरह दिलवाने में, ठीक है, अपने तरफ से जो भी हमारी टीम की तरफ से जो भी हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है। तो डैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, तो मैंने क्या बताया, स्कॉलरशिप ऑफ छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स, पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है आप उसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। एंड आपको साइबर कैफे में जाना है, आपके आसपास जो भी साइबर कैफे है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर पूछो भैया क्या क्या स्कीम्स हैं ग्रेजुएशन के लिए, बता दो, जाओ, अगर हो सकता है आप आ रहे हो उसके अंदर सब क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है अप्लाई करो, ठीक है। बिहार स्टूडेंट्स के लिए क्रेडिट कार्ड है, जो भी प्रोसेस है आप लोग देख लेना, वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हो एजुकेशन लोन के लिए, ठीक है। पहले से करना या सभी चीज़ों को पहले से करो, एक मंथ पहले से करो, क्योंकि ये सब काम यार बैंक का काम गवर्नमेंट का काम बहुत लंबा चलता है, ठीक है, तो इसलिए आपको पहले करना है। एजुकेशन लोन फॉर बैंक ये भी आप जगह कर सकते हो, देखो एजुकेशन लोन के अंदर भी बहुत सारे स्कॉबो मिलते हैं, बहुत सारे लाइक स्कॉलरशिप बोल सकते हो या बहुत सारे स्कीम्स रहते हैं जिसमें लोन के अंदर भी आपको कुछ चीज़ें कम हो जाती है, तो उसको भी जाकर आप पता करना बैंक से कि सर ये है या नहीं है, मैम ये है या नहीं है, कुछ चीज़ें आप बताएंगे तो आपको वहाँ भी और फायदा मिल सकता है, ठीक है। तो यही था पीडब्ल्यूडी के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए 1% के हिसाब से बैंक बिहार स्टेट गवर्नमेंट देती है, एंड अप टू फोर लाख रुपीज़ देती है 4% के हिसाब से नॉर्मल स्टूडेंट्स को, चाहे वो गर्ल्स हो या चाहे वो बॉयज़ हो, ठीक है, तो बहुत अच्छी स्कीम थी। तो यही था यार, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब करिए, आपको बता दे रहा हूँ कॉलेज ज्वाइन करोगे बहुत सारे मैं टिप्स की वीडियो डालता हूँ, आप लोग यार पछताओगे अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है, तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फायदा होने वाला है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, होप आपको वीडियो पसंद आया, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।